हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास अमोल ब्लॉग। आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ दो बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बाइक के लिए। एक है बाइक में मोबाइल माउंटिंग का और दूसरा है लॉक के लिए, जो बाइक चोरी हो जाता है, एंटी थेफ्ट लॉक है स्टेनलेस स्टील का। तो ये दो प्रोडक्ट मैं आज अनबॉक्स करने वाला हूँ। इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल देन सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियोज अपलोडेड इन माई चैनल। सो लेट्स गो। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ ये वाला जो लॉक है, एंटी थेफ्ट लॉक, डिस्क ब्रेक में लॉक दिया जाता है। तो चलिए इसको मैं फर्स्ट अनबॉक्स करता हूँ। और ये मैं दोनों अमेजोन से ही मंगाया हूँ। देखिए ये वाला ऑल एक्सट्रीम का लिखा हुआ है, ऑल एक्सट्रीम का, ये डिस्क ब्रेक लॉक के लिए, चोरी ना होने के लिए। और ये स्टेनलेस स्टील का है, ये बहुत ही स्ट्रांग हैवी ड्यूटी। और चाबी दो की दिया है इसके लिए। चलिए इसको खोलते हैं और देखिए ये डिस्क लॉक है, इसको भी साइड में रखते हैं। देखिए ये छोटा सा डिस्क लॉक है ये वाला, और ये जो बीच में देख रहे हैं ना ये वाला लॉक है, ये डिस्क में जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और दो चाबी दिया है ये वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चाबी फंसाना है, ये वाला जो चाबी है इसमें फंसाना है। आपको दिखाता हूँ, ये इसको फंसाए और निकाले। ये अंदर का देखिए, ये जो अंदर है ना ये गोल वाला, ये डिस्क के अंदर जाएगा। मान लीजिए इसको चाबी अंदर डाल के आप ओपन किए तो इसको प्रेस करने से ये लॉक हो जाएगा। देखिए लॉक हो गया। और इसको निकालने के लिए ये वाला को आप चाबी घुमा के, ये चाबी घुमाए, ये खुल गया। तो इस चाबी में भी लॉक कर सकते हैं, बिना चाबी निकाल के भी ये लॉक कर सकते हैं ये वाला। और ये अफोर्डेबल भी है, इसका प्राइस 274 है अमेजोन में ये प्रोडक्ट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये दो चाबी उसका, देखिए ये वाला मैं जो अभी बोल रहा था, ये अभी लॉक है, इसको अनलॉक करना पड़ेगा। अंदर का जो है ये गोल वाला सा होता है, इसको आपको फंसाना है। ये जो होल है डिस्क ब्रेक का, ये जो होल है इधर आपको फंसाना है। अब मैं इसको निकाल रहा हूँ, चाबी इसको डाले ऐसे, उसको घुमाए देखिए, और ये खुल गया ये वाला जो ये है, पुश करके, इसको पुश करके देखिए, मैं पुश कर दिया और ये लॉक हो गया। और ये सेफ्टी हो गया है, ये अफोर्डेबल प्राइस में है, अमेजोन में आपको मिलता है 274 अराउंड मिलता है ये। इससे अफोर्डेबल प्राइस में और बेहतर ये स्टेनलेस स्टील का है, ये बहुत हैवी ड्यूटी है, मैंने मजबूत है ये स्टील, ऐसे नहीं खुलेगा ये लॉक। और ये पूरा फिक्स हो गया है, मजबूत हो गया है। तो ये एक तो बढ़िया प्रोडक्ट है। दूसरा मैं आप प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ। चलिए अभी बारी है मोबाइल माउंटिंग का, बाइक में लगा के देखते हैं ये वाला, और इसको अनबॉक्स करते हैं, रखते हैं। और ये बोबो कंपनी का है, आप देख सकते हैं ये बोबो कंपनी लिखा हुआ है, बोबो एंड यूनिवर्सल फोर टू सेवन इंच स्क्रीन फोन, जो 4 इंच से 7 इंच का जो फोन स्क्रीन होता है डिस्प्ले, उसको ये सपोर्ट करता है। इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ और क्या कुछ है देखते हैं। ये कुछ रिसिप्ट वगैरह है जो 1200 रुपये में मैं पेड किया था। और ये देखिए क्या क्या दिया गया है। ये एक तो स्कूटर के लिए है, पीछे वाला मिरर फिक्स करने के लिए ये वाला। और क्या दिया गया है, ये खाली है, इसको फेंक देते हैं, ये कुछ काम का नहीं है। पहले वाला ये देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है। और ये देखिए, ये मेन आपका मेन यूनिट है जो मोबाइल को पकड़ेगा, यहाँ पे मोबाइल को पकड़ेगा, बोबो कंपनी लिखा गया है मोबाइल होल्डर। इसको एडजस्ट करते हैं ये नॉब को घुमा के, मैं आपको दिखाऊंगा। और क्या दिया गया है, और ये कुछ है आप देख सकते हैं, टर्न बकल। इसको ये जो अंदर है, ये अंदर आपको बाइक का हैंडल का अंदर फंसाना है, और ये टर्न बकल को टाइट और लूज करने के लिए ये हेक्सा की दिया गया है, हेक्सा की। इसको आप देख सकते हैं, ये इसको घुमा के आप लॉक कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। और ये वाला जो स्पेसर है, ऑलरेडी इसमें स्पेसर लगा है, ये स्पेसर लगा है, स्पेसर यहाँ पे लगा है। तो ये आपको अभी ज़रूरत नहीं है, जब ये मैंने ख़राब हो जाएगा तो ये आप रिप्लेक्स कर सकते हैं, इसको भी साइड में रखते हैं। तो हम लोग का जो 3 मेन चीज़ लगेगा वो है मोबाइल होल्डर, मोबाइल माउंटिंग, दूसरा है बोकल, और ये बोकल को टाइट और लूज करने के लिए ये वाला हेक्स की लगेगा। ये 3 हम लोग को मेन चीज़ है,
जो चाहिए आपका, ये जो मोबाइल माउंटिंग है आपका, ये जो साइड में दिया गया है आपका जितना विड्थ है मोबाइल का विड्थ है वो, उसके अनुसार आप ये टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं आपका जितना वाइट विड्थ है। तो देखिए मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ आपको, इसका विड्थ काफ़ी बड़ा है। तो ये देखिए बहुत ही वाइड है इसका, मैं खोल रहा हूँ। और ये जो हाइट है आपको 4 to 7 inch का डिस्प्ले का ये सपोर्ट करता है, 4 to 7 inch डिस्प्ले सपोर्ट करता है 4 to 7 inch का। इसको देखिए वाइड्स इतना ही है और नहीं जाएगा, इसका वाइड्स में आपका अच्छा सा मोबाइल आ जाएगा। ये काफ़ी कुछ बड़ा ये है विड्थ है। ये तीन चीज़ मेन चाहिए, एक तो मोबाइल होल्डर मोबाइल माउंटिंग, टर्न बोकल जो पीछे लगेगा, इसका पीछे लगेगा ये वाला 360 रोटेशन करेगा, और ये हेक्स की। चलिए इसको लगा कर देखते हैं। तो पहले आपको ये टर्न बोकल आपको पहले ये इसका बोल्ट खोलना है हेक्स की के थ्रो से। तो ऐसे हम लोग खोलेंगे बोल्ट जो है, और ये मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। देखिए देखिए ये वाला बोल्ट है जो बोकल का अंदर था, ये छोटा सा वाशर भी है, ये वाशर दिया गया है, और ये इसका अंदर था बोकल का अंदर से। तो ये जब बोल्ट निकालेंगे इसके अंदर में, वो बाइक का हैंडल रहेगा, और ये स्पेसर है मैं जो अभी बोल रहा था, दूसरा स्पेसर भी दिया गया है एक्स्ट्रा, आपको जो अच्छा लगे स्पेसर वो आप डाल सकते हैं। और ये बाइक का अंदर ऐसा रहेगा रह के, उसके बाद इसको बोल्ट दे के टाइट करना पड़ेगा, ये जो बोल्ट है टाइट करना पड़ेगा। और टाइट करने के बाद आपका जो इस वाला है, ये जो माउंटिंग है, माउंटिंग का जो पीछे वाला है, पीछे वाला सेक्शन, ये देखिए ये मोबाइल माउंटिंग का पीछे वाला सेक्शन, ये टाइट करने के लिए है। जब आप ये आप डालेंगे बाइक में तो इसका जो ये जो नॉब है 360 रोटेशन करेगा, इसको अंदर देखिए मैं अंदर डाल दिया हूँ, ये जो बोकल है ये बोकल अंदर डाल चुका हूँ मैं, मोबाइल माउंटिंग का अंदर डाल चुका हूँ। और आपको जितना टाइट है ये जो है आप ये घुमा सकते हैं, ये स्क्रू टाइप का जो है आप टाइट कर सकते हैं आपके मुताबिक। बाइक का जो हैंडल यहाँ पर रहेगा, और ये आपका मोबाइल माउंटिंग जो मोबाइल में मोबाइल आप रख सकते हैं मोबाइल माउंटिंग का ऊपर, ये ऐसा है। और ये टाइट करने के लिए मैं जो बोला हेक्स की चाहिए वो आप टाइट कर सकते हैं, आपको जितना टाइट चाहिए टाइट कर सकते हैं। और चले लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। इसका अंदर रहेगा आपका हैंडल का, हैंडल का जो बार है ये वाला हैंडल है आपका बार, इसके अंदर रहेगा ये जो बोकल है, और फिर इसको टाइट करना पड़ेगा बोल्ट के थ्रू से। और ये जो बोल्ट में टाइट करने के लिए ये हेक्स की है, तो मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये वाला ऐसा खुलेगा, उसके बाद आपको अंदर डालना है बाइक का जो हैंडल है, दिया गया है स्क्रू, ये बोल्ट जो टाइट करना पड़ेगा आपको, ये अंदर डाल के थ्रो हेक्स की आपको टाइट करना पड़ेगा, ये बोल्ट टर्न बोकल को टाइट करना पड़ेगा। टाइट हो गया है, आप ये देख सकते हैं ये पूरा टाइट है, पकड़ के रखा है, ये फिसलेगा नहीं, स्लिप नहीं करेगा। उसके बाद आपको ये जो है ये माउंटिंग जो है मोबाइल होल्डर का माउंटिंग, ये जो पीछे वाला, ये नॉब में देना है, ये नॉब में देना है, ये 360 रोटेशन करेगा देने के बाद। और पहले ये हम लूज कर देते हैं इसको, ताकि ये अच्छा सा हम इसके अंदर डाल सकें। देखिए मैं इसको लूज कर रहा हूँ, और लूज करने के बाद देखिए ये जो है इधर आपको डालना पड़ेगा थोड़ा प्रेस करके, ज़्यादा नहीं। देखिए एक तो साउंड हुआ ना, तो ये साउंड का मतलब है ये फिक्स हो गया है और आपको टाइट करना पड़ेगा। और ये देखिए 360 रोटेशन है, आपको रोटेशन मिलता है, 360 रोटेशन करता है, और ये आपको टाइट करना पड़ेगा पीछे से, मैं जो बोला स्क्रू है ये आपको टाइट करना पड़ेगा, आपका एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं टाइट कर रहा हूँ, तो ये मेरा टाइट हो चुका है। अब मैं मोबाइल लगा के आपको दिखाता हूँ। ये वाला मेरा जो सैमसंग F20 FE है, 6.5 इंच का जो LCD स्क्रीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये जो आपका ये ना ये पकड़ के रखेगा आपको मोबाइल, इसको आप इसे अंदर डालेंगे तो पकड़ के रखेगा। देखिए मैं छोड़ दिया हूँ, बस ये पकड़ के रखेगा, नहीं स्लिप करेगा। ये वाला जो है ये वाला आपको टाइट करना है, देखिए मैं टाइट कर रहा हूँ। देखिए ये मैं जब टाइट कर रहा हूँ, थोड़ा नोटिस कीजिएगा, ये पूरा प्रेस करके रखता है जा रहा है, प्रेस करके कम हो के जा रहा है, मोबाइल को पकड़ के रख रहा है। देखिए जितना आपको टाइट चाहिए आप टाइट कीजिए, बस हो गया।
या फिसलेगा नहीं, ये देखिए ये भी पूरा टाइट है। तो मैं आज आपको दो ठो बढ़िया चीज प्रोडक्ट में आपको बताया बाइक के लिए। एक है बोबो का BM4 वाटरप्रूफ जो ग्रिप, ये मोबाइल माउंटिंग के लिए, इसका प्राइस है 1200, आपको अमेजोन में मिलेगा। और दूसरा है आपका बाइक लॉक के लिए करने के लिए, ये है आपका ऑल एक्सट्रीम का 274 रुपीज़ अमेजोन में मिलता है, स्टेनलेस स्टील का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये दोनों प्रोडक्ट मैं आपको अनबॉक्स करके बताया। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियोज अपलोडेड इन माई चैनल। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।